चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हम लोग कहते हैं कि होली के बाद हम सब लोग क्या ठीक है आवाज़ ना ऑन ऑन है तो होली के बाद हम सब लोग मिल रहे हैं और होली आप सब लोगों का अच्छा बीता होगा, उसके लिए आप सबको मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। आज अचानक आप सबको बुलाए, चूँकि कल ही हम रांची आए थे और आज प्रातःकाल अखबार को मैंने देखा और देख करके मैं बड़ी आश्चर्यचकित रहा। सरकार की ओर से अखबारों में जो भी आया है कि पूरा वित्तीय वर्ष जब समाप्त हुआ तो 70-75% ऐसा दिखाया गया कि भाई इस बार खर्च किया गया। हमने थोड़ा सा तहकीकात करने की और कोशिश की, क्योंकि आप सबको भी ध्यान होगा कि पूरे वर्ष तो सरकार पैसे की रोना रोते रही, कोरोना के कारण पैसे नहीं आ रहा है, ये सारे घटनाएं आप सबको पता ही है। और उसके बाद हमने वित्त विभाग से भी कंसल्ट करने की कोशिश की, तो वित्त विभाग से भी पदाधिकारियों का कोई सटीक जवाब तो नहीं आया। किसी ने बताया कि नहीं, अभी पूरी तरह से कंपाइल नहीं हुआ है, कंपाइल हो जाएगा तो वित्त मंत्री की ओर से अधिकृत रूप से जनता को बता दी जाएगी। फिर किसी अफसर ने बताया हमें कि नहीं, 83% खर्च हो गया। हमें बड़ी ताज्जुब लगता है कि चूँकि पिछले साल के बजट आप सबको पता है कि 86,000 करोड़ रुपया था, उससे अधिक का, उसके बाद दो दो बार अनुपूरक बजट भी पास हुआ है। अगर उस सबको आप जोड़ देते हैं तो लगभग 96,000 करोड़ से अधिक का बजट 20 और 21 के वित्तीय वर्ष में सरकार ने पास कराए थे। और इतनी बड़ी राशि में से अगर 83% खर्च हो, 70 या 75% या अभी भी बिल्कुल संदेह है, तो ये समझ में नहीं, आखिर काम हुआ कहाँ? कहीं कोई काम होते तो दिखा ही नहीं, ना सड़क पर दिखाई पड़ा, ना कहीं कुछ दिखाई पड़ा। जब भी उस वक्त काम की हम सब लोगों ने बात की यहाँ तक, तो मुख्यमंत्री यही कहते रहे, वित्त मंत्री भी यही रोना रोते रहे, केंद्र पैसा सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर कोरोना के कारण पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये लगा कि मामला कहीं ना कहीं कोई घालमेल है, गड़बड़ है इसमें से। तो हम एक तो ये चाहेंगे कि भाई जिस प्रकार से सरकार बजट की पूरी व्यय, एक क्या बोलते हैं, अनुमानित बजट को किन किन क्षेत्रों में कैसे खर्च करेगी और सरकार बजट पेश करती है, क्योंकि जिस ढंग से आया है खर्च का जो ब्यौरा, तो हम चाहेंगे कि राज्य के जो वित्त मंत्री है उसी प्रकार से खर्च का भी पूरी ब्यौरा जनता के सामने आना चाहिए। माने एक एक बिंदु और एक एक विभाग में किस चीज में क्या खर्च हुआ है, क्योंकि जनता ये समझना चाहेगी। और हमारे जैसे जो कोई अर्थ के बहुत अधिक जानकार नहीं होते हैं, तो कम से कम हम लोग भी समझ पाएंगे कि भाई किस प्रकार से सरकार ने खर्च की और कहां कहां उन्होंने खर्च किया। तो हम चाहेंगे कि सरकार को डिटेल ब्यौरा उसको जनता के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि इस राज्य की जनता, क्योंकि पैसा तो जनता का है, तो जनता को भी पता चल सके कि भाई इतनी बड़ी रकम आखिर खर्च कहाँ हुआ। क्योंकि हमें भी पता है कि हम राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय तो 3,000 करोड़ से भी कम का बजट होता था डेवलपमेंट का, और तब काम चारों तरफ दिखाई पड़ता था, काम होते दिखाई पड़ता था, और झारखंड ही छोड़ दीजिए, देश भर के लोगों को दिखाई पड़ता था, उसकी चर्चा भी होती थी सब जगह कि कहीं कोई विकास देखना है तो झारखंड में जा कर के देख लीजिए। हम लोग भी कहीं, आप सब लोग भी कहीं घूमते होंगे तो सब जगह सड़कों पर भी काम देखता था, नदी नाला में भी पुल पुलिया वहाँ भी बन रहा है,
बिल्डिंग है वो सब जगह, यानी काम और काम दिखाई पड़ता था। इस सरकार में तो काम किया, आप जिस कोरोना की हम सब लोग इस साल कितनी भयावह स्थिति है अभी भी। 3 नए मेडिकल कॉलेज जब पिछले सरकार ने बनाई, रघुवर दास जी की सरकार ने बनाई और उद्घाटन करके, यानी वर्तमान सरकार को एक प्रकार से सौंप दिया गया, तो उसकी हालत अभी तक सुधरी नहीं। यानी वहाँ बच्चों का एडमिशन भी नहीं हुआ, फैकल्टी की बहाली भी नहीं हुई। तो मैं इसलिए इसका सिर्फ उल्लेख कर रहा था कि भाई काम तो कहीं हुआ नहीं, काम कहीं दिखा नहीं, फिर इतना बड़ा जो रकम है वो कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, आखिर कौन सी जादू थी हेमंत सोरेन सरकार की, तो कम से कम उसको थोड़ा सा जरूर राज्य की जनता देखना चाहेगी, समझना चाहेगी। तो मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के समक्ष मैं सरकार से ये मांग के लिए ही आज मैंने प्रेस आप सबको बुलाया था कि भाई सरकार को ये बतानी चाहिए कि बिल्कुल अद्भुत है ऐसी, जो कि साल भर सरकार रोए कि मेरे खजाना में पैसा नहीं है, खजाना खाली है, और 31 मार्च को सरकार कहे कि बजट का 70-75, और हमने कहा कि विभाग के एक पदाधिकारी से हमने वित्त विभाग में बात की अभी थोड़ी देर पहले, तो बताया कि 83% खर्च हो गया, तो मैं तो भावचक रह गया कि आखिर इतनी बड़ी बजट की राशि और इतनी तादाद में ये खर्च हो और काम कहीं दिखे ही नहीं, तो वास्तव में हम सब लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। और तो विशेष इस पर कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि मुझे लगा कि इस पर आप सब लोगों के समक्ष अपनी बातों को मैं रखूं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, हम कैसे अभी कह सकते हैं कि जो अखबारों में आया, जो मैंने बात करने की भी कोशिश की कि भाई डिटेल कोई बता सके, तो डिटेल जैसे हमने बताया ना कि एक पदाधिकारी जो कहा सर कि अभी तो डिटेल हम लोगों ने कुछ तैयार नहीं किया है। मेरी आशंका तो छोड़ दीजिए ना, जब आएगा तब मैं, अभी तो मैं कोई आशंका को व्यक्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये जो आश्चर्यजनक जो खर्च दिखाया गया है तो मैं इसके बारे में समझना जरूर चाहूँगा, हम ही नहीं बल्कि राज्य की जनता भी इसको जानना चाहेगी। पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपको शायद गलत फहमी कहीं अखबार में आया, मैंने तो पहले भी कहा है और 30 तारीख के नॉमिनेशन के दिन भी कहा हूँ और आज भी मैं कहता हूँ, तमाड़ को मधुपुर में दोहराया जाएगा। तमाड़ से मुख्यमंत्री चुनाव हारे थे और मधुपुर से मंत्री चुनाव हारेंगे और उस दिन उनको त्याग पत्र देना है, हमने उस दिन भी मंच से इसी बात को हमने कहा है। अब निशिकांत जी ने कहा उसकी बातों को छोड़ दीजिए ना, हमसे काहे पूछ रहे हो। अब बहुत सारे नेता बहुत सारे बातें बोलेंगे, हम कहाँ बोल रहे हैं कि हमारे दल से नहीं है, नहीं मैंने इसलिए कहा कि अखबारों में जो मेरे नाम से छापा था, मैंने इसलिए इस बात को कहा, ऐसा नहीं हमने तो बोला ही नहीं, हम तो जो बोले हैं मैंने उस बात को कह रहा हूँ। अखबार में जिस प्रकार से कहा तो हमने तो आज भी मैं कह रहा हूँ, पहले भी मैं यहीं पर भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस पिछले दिनों, जब हम तारीख हमको याद नहीं है, यहाँ लोग पूछे थे, नहीं जिस दिन गंगा नारायण सिंह ज्वाइन किए थे उस दिन लोगों ने हमसे पूछा था, आप ही सब लोगों ने, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मधुपुर में तमाड़ को दोहराया जाएगा। तमाड़ में मुख्यमंत्री चुनाव हारे थे और मधुपुर में मंत्री चुनाव हारेंगे और 2 तारीख उनको रिजाइन करना पड़ेगा। नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ जनता ने उनको बहुमत दिया है तो उनको सरकार चलानी चाहिए, तो उनको डर लग रहा है तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बातें हैं, कब उनको कहाँ से भय पैदा हो गया है। तो सर लगता है कि उनके यहाँ कुछ मामला आपस में उन लोगों का नहीं बन रहा होगा, ये सब कुछ हो सकता है उनके।